Good morning, students. Today we will discuss about our next topic, which is the lactation. Lactation is the last topic of your chapter number 3. So, lactation means lactation involves a lactin. Lactin ka kya matlab hota hai? Milk. To lactation ek aisi process hai jiske andar milk ki synthesis, secretion aur ejection hoti hai. इन इवेंट्स को हम कंबाइन करके जो प्रोसेस बनती है उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन। अब हम देखेंगे लैक्टेशन जो है वो स्टार्ट कब होती है। ये स्टार्ट होती है एट द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। जो एंड होता है प्रेगनेंसी का, एंड वाला जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे शुरू हो जाती है लैक्टेशन। लेकिन इसका जो फ्री फ्लो होता है मिल्क का, वो कब होता है? आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड के बर्थ के बाद ही मिल्क की जो है इजेक्शन जो है वो शुरू होती है। और कब तक कंटिन्यू चलती है? तब तक कंटिन्यू चलेगी जब तक जो है वो बेबी है, जो चाइल्ड है वो सकल करता रहेगा, तब तक वो है कंटिन्यू रहेगी। कई बार जो है वो मिल्क का जो फ्लो है, मिल्क की सेक्रेशन है, बंद हो जाती है। उसके कुछ अलग रीज़न भी हो सकते हैं, वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो हम अभी करेंगे डिस्कस। मैकेनिज़म क्या है इसका? दो तरह के इसके फेसिस हैं मैकेनिज़म में। सबसे पहले आता है मिल्क की सेक्रेशन होगी, सेक्रेशन होने के बाद जो है इजेक्शन होगी। सेक्रेशन मतलब मिल्क का बनना, ठीक है। इजेक्शन मतलब फ्री फ्लो होना उसका। सबसे पहले हम करते हैं मिल्क की सेक्रेशन। इसकी सेक्रेशन जो है वो किस तरह से शुरू होती है, कौन से इसमें हार्मोन इन्वॉल्व है? इसकी जो सिंथेसिस है मिल्क की, वो होती है एल्वियोलर एपिथीलियम ऑफ द मेमरी ग्लैंड। जो मेमरी ग्लैंड है उसके अंदर जो एल्वियोलर एपिथीलियम है, वहाँ से इसकी शुरू होगी सेक्रेशन। और वो पैसेज किसके थ्रू होगा? एक डक्ट सिस्टम पूरा प्रेजेंट होता है वहाँ पर, उसके थ्रू होगा। और इसको रेगुलेट कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो मिल्क की सेक्रेशन है उसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, इसकी कमी होने से जो मिल्क की सेक्रेशन जो है वो नहीं हो पाती। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसी टाइम पे एक्टिव होता है, और हम कह सकते हैं सेक्रेशन इसकी बढ़ती है। कब बढ़ती है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और एंड जो होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे। और ये इसकी सेक्रेशन होती कहाँ से है? फ्रॉम द एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। इससे क्या होगा, इसके इस टाइम पे क्या होगा, इस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा चाइल्ड बर्थ के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दिस इनिशिएशन ऑफ मिल्क फॉर्मेशन विच इज़ कॉल्ड अ लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस इज़ अ प्रोसेस जिससे कि क्या होगा, मिल्क की फॉर्मेशन जो है वो शुरू होगी। उसके बाद एक और प्रोसेस है विच इज़ अ गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस क्या होती है? इससे कि जो सेक्रेशन हो रही है मिल्क की, उसको मेंटेन किया जाता है। और इसको मेंटेन करने के लिए कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, और कुछ और ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं जो ये मिल्क की जो सेक्रेशन है उसको मेंटेन करके रखते हैं। उसके अलावा जो सकलिंग होती है वो इनिशिएट करती है इम्पल्स को, सो दैट जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करता रहे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, जिससे कि क्या होगा, प्रोलैक्टिन का जो हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ेगा। सकलिंग का क्या मतलब है? आफ्टर द चाइल्ड बर्थ जब जो बेबी है वो सक करेगा थ्रू द निप्पल्स, जो मिल्क को वो सक करेगा, उससे क्या होगा, इम्पल्स होंगी उसके आसपास के नर्व्स, और वो उससे इम्पल्शन जो है वो स्टिमुलस जो है वो जाएगा हाइपोथैलेमस से, जिससे कि ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो सिक्रीट होगा। उसके सिक्रीट होने से प्रोलैक्टिन का हार्मोन जो बढ़ेगा और मिल्क की सेक्रेशन जो है वो बढ़ेगी। अब मिल्क की सेक्रेशन बढ़ गई है, अब होगी मिल्क की इजेक्शन। मिल्क की इजेक्शन कैसे होगी? मिल्क की इजेक्शन को हम लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। लेट डाउन रिफ्लेक्स का क्या मतलब है? डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। पहले सब सेक्रेशन हो गई, मतलब अभी जो है वो मेमरी ग्लैंड वहीं पर ही है मिल्क अभी, मतलब उसका डिस्चार्ज नहीं हुआ। इंजेक्शन में क्या होगा, मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू डिस्चार्ज होगा मिल्क का। होगा कैसे? सकलिंग ऑफ निप्पल बाय बेबी। जैसे ही बेबी जो है वो सकलिंग करेगा निप्पल को, उससे क्या होगा, ट्रिगर होगा जो आसपास के जो टाइनी नर्व्स हैं निप्पल्स के राउंड में, उसे ट्रिगर पहुंचेगा। और ये नर्व्स जो हैं वो हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करेंगी, ये हार्मोन रिलीज़ करेंगी। दैट मीन्स ये जो स्टिमुलेट प्रोवाइड करेंगी, जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको ये स्टिमुलेट देगी, उससे क्या होगा, हार्मोन रिलीज़ होंगे ब्लड स्ट्रीम में। कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
ये आपने ध्यान रखना है, दो हार्मोन इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, एक है प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, जो हमने पार्चुरेशन में किया था ड्यूरिंग द डिलीवरी। ये हार्मोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। उसके अलावा ये मिल्क इंजेक्शन में भी हेल्प करता है। सेल होते हैं अराउंड द एल्वियोलाई, वो क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्क्वीज आउट करेंगे मिल्क को। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, कुछ मसल जो है वो ऐसे वेरी ब्रॉड हो रही हैं, फिर शॉर्टर हो रही हैं, उससे क्या जो है मिल्क की सेक्रेशन होगी। और ये पूरा जो रिफ्लेक्स सिस्टम है इसे कौन कंट्रोल करता है, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स सिस्टम है ये, मतलब नर्व्स जो हैं और ग्लैंड जो हैं उसके कॉम्बिनेशन से ये पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। कॉम्पोजिशन में क्या होगा, कॉम्पोजिशन हम किसकी कर रहे हैं, मिल्क की, ब्रेस्ट मिल्क की कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। इस मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट की ड्रॉपलेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड मिल्क शुगर विच इज़ द लैक्टोज। लैक्टोज प्रेजेंट होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट मिल्क, हम यहाँ कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क के। उसके बाद हम इसके फ़ायदे देखेंगे कि फ़ायदे क्या हैं। एक तो ये फीडिंग में हेल्प करता है, सबको पता ही है, प्रोटीन से रिच होता है, ये कैलोरीज होती हैं इसके अंदर, एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ होंगी तो ये बेबी के अंदर सबसे पहले पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट करेंगी, बीमारियों से लड़ने की जो है वो एनर्जी देंगी। मिल्क प्रोड्यूस जो होता है इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, जो कि रिच होता है इन बहुत सारे मिनरल्स से, प्रोटीन और एंटीबॉडीज से, स्पेशली एंटीबॉडीज से रिच होता है, जो कि बहुत ही खतर फर्स्ट मिल्क जो होता है बेबी का वो बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक आफ्टर 24 आवर्स जो है हमें बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए, तो उस टाइम पे जो मिल्क, कुछ दिनों में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि रिच होते हैं अपने जो मिनरल्स एंटीबॉडीज होते हैं उनसे। तो बच्चे लैक्टेशन में हमने एक सबसे दो ही जो हार्मोन इम्पॉर्टेंट है वो किए हैं, एक किया है प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक किया है हमने ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इन दोनों के हार्मोन्स की वजह से ही है जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन की सेक्रेशन ही नहीं होगी तो मिल्क की जो सिंथेसिस नहीं होगी, अगर मिल्क की सिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल जो है वो भी बिल्कुल फेल हो जाएगा, इजेक्शन ही नहीं हो पाएगी अगर सेक्रेशन नहीं हो रही है। अगर सेक्रेशन हो गई तो अगर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो नहीं है ब्लड स्ट्रीम में तो क्या होगा, मिल्क की इजेक्शन जो है वो होना पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स जो है इससे भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो है मिल्क का डिस्चार्ज ही नहीं हो पाता। तो ये दोनों ही जो हार्मोन्स है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैक्टेशन में। कई बार ये क्वेश्चन आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि लैक्टेशन में और मिल्क सेक्रेशन में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, दैट इज़ अ प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे, थर्ड चैप्टर जो है आपका वो ख़त्म हो चुका है, तो अब हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। सो